नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, चुनाव की रणभेरी बज गई। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया, 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों की जानकारी तो आपको प्राप्त हो ही चुकी होगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को, चौथे चरण का चुनाव 13 मई को, पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को, छठे चरण का चुनाव 25 मई को और सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और काउंटिंग मतगणना 4 जून को। तो देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चुनाव की रणभेरी बज गई है, चुनाव पर चर्चा तो अब लगातार 3 महीने तक चलेगी, सरकार बनने तक। लेकिन आज हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में कल कैबिनेट का विस्तार हुआ और आज फिर विभागों का बंटवारा भी, चुनाव की रणभेरी बजने के ठीक पहले। देखिए, जो हम कह रहे थे, लाइव सिटीज कह रहा था, हम पूर्वानुमान पहले से ही व्यक्त कर रहे थे कि सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे, क्योंकि वहां के पाठक है। और अशोक चौधरी के बारे में भी खबर थी कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बनाए जाएंगे, जयंत राज भवन निर्माण विभाग के मंत्री होंगे। देखिए, जब हमने मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया देखी, भाजपा की चाल देखी, तो हमने ये समझा कि सम्राट चौधरी भारी पते दिखाई पड़े और इस तरीके से उभरे कि असली डिप्टी सीएम वे ही हैं। लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ है, जिन मंत्रियों को विभाग मिले हैं सबके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसके पीछे अर्थात क्या है, तो यह देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने फिर से अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो दूसरे के पास नहीं अपने पास रखा। लेकिन सम्राट चौधरी बस 2 विभाग में अपने को केंद्रित कर लिए और यह विभाग है वित्त, वाणिज्य कर। यदि हम केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन राज्यों में तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 डिप्टी सीएम। विजय कुमार सिन्हा ने अपने पास रखा पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं विवाह। तो सम्राट चौधरी ने अपेक्षाकृत ऐसा विभाग अपने पास रखा जिसका जन सरोकार बहुत नहीं है, जनता के बीच बहुत काम नहीं है। और विजय कुमार सिन्हा ने अपना वजन दिखाया मंत्रालय रखने के मामले में, पथ निर्माण विभाग जो एनडीए सरकार में पहले, पिछली एनडीए सरकार में नितिन नवीन के पास था। तो यदि हम दोनों डिप्टी सीएम के बीच तुलना करें कि सम्राट चौधरी ने अपेक्षाकृत जन सरोकार वाला विभाग क्यों नहीं रखा और विजय कुमार सिन्हा विभाग रखने में कैसे बाजी मार ले गए, पहले इन्हीं दोनों की चर्चा कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक नाम पर। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो चुनाव की घोषणा हो गई है, बिगुल बज गया है चुनाव, लोकसभा अब तो सारे अपने बिहार के भी तमाम लोग चुनाव में लगेंगे। और ये देखिए कि सिर्फ 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां भी चुनाव 7 चरण में होना है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 7 चरण में चुनाव होगा तो बात समझ में आती है। बिहार में उसके आधी सीटें हैं, फिर भी 7 चरण में चुनाव होगा, इससे भी एक बिहार का महत्व जाहिर होता है कि बिहार को लेकर के बीजेपी कितनी चिंता में है और उसको क्या अनुभव, क्या अनुमान लग रहा है कि 7 चरण में बिहार में चुनाव कराए जा रहे हैं। अब कोई बहुत नक्सली खतरा भी बिहार में नहीं होता है, इसके बावजूद 7 चरण में कराए जा रहे हैं, तो ये सेंसिटिविटी दिखाता है बिहार के चुनाव को लेकर के। और वही एक कारण हमको अभी समझ में आ रहा है सम्राट चौधरी के, जो आपने जिस ओर इशारा किया कि जन सरोकार वाले विभाग उन्होंने नहीं रखे हैं, ताकि लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना हो, डे टू डे की के काम में नहीं लगना हो। कि अगर वो पथ निर्माण रखते या स्वास्थ्य विभाग रखते तो ये रोज का काम था, उनके पास लोगों का तांता लगा रहता, अस्पतालों का दौरा करिए, डॉक्टर्स को देखिए, कोई बीमारी फैल गई वो देखिए, जाकर के लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए, वो सबसे वो मंत्री को परेशानी होती है। तो डायरेक्टली जन सरोकार नहीं हो, जिसे जनता का सीधा जुड़ाव नहीं हो और उनको अतिरिक्त समय मिल सके, अभी तो अभी उनके सारे काम बाकी हैं, जो अलायंस पार्टनर्स के साथ सीटों का बंटवारा तय होने के बाद भी जो काम बाकी है कि सीटों के की अदला बदली होनी है और उम्मीदवार तय होने, तो इस काम में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो इस वजह से एक तो कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा विभाग लिया जो लाइमलाइट में नहीं रहने वाला विभाग, लेकिन महत्व के हिसाब से देखें तो फाइनेंस का एक खास तरह का महत्व है बिहार में। ये आप मान के चलिए कि फाइल्स सारी उनके थ्रू होकर के जाएंगी, उनके मंत्रालय के थ्रू होकर के ही फाइल्स जानी है। अगर मिनिस्टर है ऐसा
जो पेच लगा दे, रोक सके, फाइल को रोक दे, तो एक बड़ी ताकत होती है वित्त के यहां से फाइल किसी न किसी क्वेरी के साथ वापस लौट सकती है जी। तो वो एक महत्व है उस मंत्रालय का कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा सरकार में जो उनकी नजर में नहीं होगा, वित्त की नजर से बच के कोई काम नहीं हो सकता है। और एक दूसरा जो वाणिज्य कर है वो तो है ही, अब क्या वाणिज्य है बिहार में जिसका कर वसूला जाएगा, वो उसी मिनिस्ट्री का पार्ट होता है समझ लीजिए, तो वो है। तो ये इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण मंत्रालय भी है, आपको एक माना भी जाता है कि नंबर टू होता है जिसके पास वित्त होता है, गृह का आदमी होता है नंबर टू, लेकिन चूंकि गृह पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े थे कि गृह तो वहीं रखेंगे, तो वो रखे रहे, गृह विभाग बीजेपी के यहाँ नहीं गया, वित्त गया। जो नंबर टू का पोजीशन होता है वो नंबर टू का पोजीशन सम्राट चौधरी का हो गया। आप जो क्रम भी देखिएगा जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में भी नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नाम है सम्राट चौधरी का, तो वो नंबर टू हैसियत है, वित्त है, और अपने लिए पर्याप्त समय उनके पास होगा कि वो चुनाव लड़ाने के काम में राजनीतिक काम में भी है, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी है, तो उनकी भूमिका ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो वो उस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाएं। जो बंटवारा, अलायंस में सीटों की अदला बदली, कैंपेन, इन सब में उनके पास समय रहे। अब विजय सिन्हा की जो बात है कि उनके पास माल जाल वाला विभाग मिला है और विवादों वाला खान एवं भूतत्व, देखिए केवल पथ निर्माण नहीं खान भूतत्व भी, और बिहार में कला संस्कृति एवं युवा इस क्षेत्र में कितना कार्य होता है कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पथ निर्माण खान एवं भूतत्व वजन वाला विभाग है। विजय कुमार सिन्हा ने यह साबित किया कि केंद्रीय नेतृत्व हम पर भी भरोसा करता है, और वित्त के बाद सबसे ताकतवर और सबसे अधिक वजन वाला, सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला विभाग उन्हें प्राप्त हुआ है। देखिए ये सचमुच एक तरह का इसको कू कह सकते हैं, कू जी जो होता है, कू होना, तख्ता पलट होना, क्योंकि तीन दिन पहले तक ये बात हो गई थी कि पथ निर्माण विभाग मंगल पांडे को मिलेगा, मंगल पांडे पथ निर्माण विभाग के मंत्री होंगे, ये बात की चर्चा हो गई थी, और पथ निर्माण विभाग पर विजय सिन्हा की बहुत पहले से नजर थी, क्योंकि जिस समय विभागों का बंटवारा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था, जैसे शपथ के तुरंत बाद ये खबर आई थी कि वो पथ निर्माण विभाग की गाड़ियां उनके यहाँ पहुंच गई हैं और वो सारे अधिकारी भी उनके यहाँ पहुंचने लगे हैं, तो उनकी नजर थी, उनकी इच्छा थी कि वो उनको मिले, लेकिन वो मिलने की चर्चा हो गई थी मंगल पांडे को। उसके बाद अचानक हुआ, ऐसा हुआ जो हम लोग जब कल चर्चा कर रहे थे तभी ये बात दिमाग में घूम रही थी, जो आपने सवाल पूछा कि भाई कोई दूसरा भूमिहार नहीं आया, मंत्री कोई भूमिहार नहीं बना, तो जैसे ये बात हुई कि कोई भूमिहार नहीं बन रहा है, नया मंत्री कोई भूमिहार नहीं आ रहा है, ना बीजेपी की तरफ से ना जेडीयू की तरफ से, तो जो भूमिहार है उसका वजन बढ़ाया जाए। एक होता है कि जब आप कोई चीज किसी को नहीं दे पा रहे हैं, कोई नई अतिरिक्त चीज, तो जो चीज आपने दी है उसमें इंसेंटिव्स बढ़ा दीजिए, तो ये इंसेंटिव बढ़ाने की बात है उस कम्युनिटी को, उस कास्ट को जो सबसे ज्यादा समर्पित है बीजेपी के लिए, जिसको एक एक तरह से ये भी माना जाता है कि वो बंधुआ वोटर है, हर हाल में बीजेपी को वोट करना होता है, तो उसके सम्मान के हमने कल फिर सोशल मीडिया में, आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, हमने भी सोशल मीडिया में वो कई पोस्ट देखी जिसमें लोगों ने हार्डकोर भूमिहार ग्रुप्स में विजय चौधरी को भूमिहार के लिस्ट में से हटा दिया गया, उनको डाल दिया गया मैथिल ब्राह्मण के कोटे में, और ये कहा गया कि अब भूमिहार सिर्फ एक ही मंत्री है विजय सिन्हा, तो ये विजय सिन्हा को इसका एडवांटेज एक मिल गया, अकेला भूमिहार होने का फायदा मिल गया, अकेला भूमिहार होने का और दूसरा भूमिहार मंत्री नहीं आने का एक एडवांटेज हुआ कि उनका इंसेंटिव बढ़ा दिया गया, उन्हीं को जब एक है जो उसी को इंसेंटिव बढ़ा दो उसी का, तो ये इंसेंटिव बढ़ा करके उनको जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है उस वो दे दिया गया, और उस महत्वपूर्ण मंत्रालय में से लोग जो जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में भी सबको पता है, ज्यादातर लोगों को जो जिनका काम पड़ता है रोड कंस्ट्रक्शन में, सड़क निर्माण में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पूरी कम्युनिटी के लिए उसको एड्रेस किया है, और अपेक्षाकृत नए लोगों को बीजेपी ये मंत्रालय दे रही है, उस लिहाज से भी ये दूसरा प्रयोग है। देखिए पहले नितिन नवीन को पिछली बार दे दिया गया था, तो नितिन नवीन को लेकर के वो पहला ही उनका मौका था और वो सीधे सड़क परिवहन मंत्री बन गए, अजीत जी नितिन नवीन पर भी आएंगे, सड़क परिवहन की बात जो कर रहे हैं, सड़क परिवहन की बीजेपी का एक प्रयोग है कि नए लोगों को ले आए जिनके ऊपर कोई बैगेज नहीं हो, जो पहले से बहुत बार मंत्री रहा हो, बहुत सारे लोगों को जानता हो, बहुत सारी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व रहा हो, उसके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, नए आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है, जनरली नए आदमी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उस ऐसे आदमी को उस मिनिस्ट्री में डाला गया, तो एक तरह से इनसे उम्मीद भी है पार्टी को कि ऐसा करके देंगे कि कोई बदनामी भी नहीं हो और आप काम भी अच्छा करें, क्योंकि दिखाने के लिए
आज भी आप बार बार कहते हैं कि बीएसपी से आगे निकलना होगा, बिजली सड़क पानी से, लेकिन हम लोग निकल नहीं पाए। अभी भी सड़क दिखानी होती है, विकास दिखाना होता है तो सड़क की फोटो दिखानी होती है। और है, देखिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं बालू माफिया को खत्म करना है, तो अब जिम्मेवारी बालू माफिया को खत्म करने की जिम्मेवारी विजय कुमार सिन्हा के कंधे पर आ गई है, खान एवं भूतत्व उनके पास। अब आगे चलते हैं, देखिए विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे के मंत्री, वे जल संसाधन मंत्री ही बने रहना चाहते थे, उन्हें बने रहने दिया गया, शिक्षा उनसे ले लिया गया, संसदीय कार्य पार्लियामेंट्री अफेयर्स में उनसे बेहतर नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। देखिए डॉक्टर प्रेम कुमार, इनके पास सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर प्रेम कुमार जितने बड़े हैं उन्हें उम्मीद थी, पहले कृषि मंत्री रहा करते थे, उन्हें उम्मीद रही होगी कि हमें कोई और बड़ा विभाग मिलेगा। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास के स्थापित मंत्री हैं। संतोष कुमार सुमन, देखिए हमसे कोई दूसरा मंत्री नहीं बना तो उनके पास कहने को तीन विभाग हो गए, सूचना प्रावैधिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन। सुमित कुमार सिंह, उनके पास विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, वे भी कुछ बदलाव चाहते थे, संभव नहीं हो पाया। लेकिन देखिए श्रीमती रेणु देवी, जिन्हें कल सबसे पहले शपथ दिलाई गई थी, और उन्हें विभाग कौन सा मिला, शपथ हरी सहनी ने भी ली थी, मुकेश सहनी का फायदा हरी सहनी को मिला, लेकिन पशु एवं मत्स्य संसाधन उम्मीद की जा रही थी कि हरी सहनी को ही मिलेगा, लेकिन रेणु देवी को बस इसमें उलझा दिया। पिछली सरकार में बिहार में डिप्टी सीएम थे और कल लिस्ट में नाम भी अंतिम में जुड़ा जब अरुणा देवी का नाम कटा, क्योंकि विवादों वाला मसला था। तो रेणु देवी पशु एवं मत्स्य संसाधन, बस क्या करेंगे। देखिए हमको आप पहले से शुरू करें, जहां से आपने शुरू किया जल संसाधन, विजय चौधरी से शुरू करें, तो वो जो जल संसाधन का विभाग है वो लॉयल्टी जिनके ऊपर, जिनकी निष्ठा के ऊपर कोई संदेह नहीं होता है। हम जो रिकॉर्ड देख रहे हैं पिछला, कि ललन सिंह जब मंत्री थे बिहार में तो जल संसाधन मंत्रालय उनके पास था, फिर संजय झा जब मंत्री बने तो उनके पास था वो जल संसाधन का मंत्रालय, और अब विजय चौधरी जो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है नीतीश कुमार के, तो ये जो तीन, जो इसकी लिगेट, इसका जो क्रम देखिए, जो तीन पहले भी रहे, विजय चौधरी पहले भी रहे, पहले भी मंत्री रहे इस मंत्रालय के, तो जितना महत्वपूर्ण मंत्रालय रोड कंस्ट्रक्शन का है, सड़क का जितना महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उतना ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है जल संसाधन का, क्योंकि बिहार एक एक अब आज भी मोटे तौर पर कृषि पर ही आधारित स्टेट है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी उसी में है, सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू का भी कहेंगे तो उसी में होता है। हम लोग चावल के उत्पादन में देश में नंबर दो है, और पांच देशों को हम लोग चावल निर्यात करते हैं, देश भर में तो चावल जाता ही है, दूध के उत्पादन में, तो ये कृषि से जुड़े जितने चीज है वहां जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस मंत्रालय में, सिंचाई की व्यवस्था करनी हो या जो भी है, तो वो एक नदियों को जोड़ने का काम भी अभी बिहार में शुरू हो गया, आप देखिए नदियां, दो नदियां तो कम से कम जोड़ ही जा रही हैं, तो एक वो भी है, बाढ़ का संकट है हम लोगों के यहाँ, तो उससे निपटना है, एक बड़ा बड़ा बड़ी मिनिस्ट्री है ये, और हर जगह बड़ी मिनिस्ट्री है, हर जगह बड़ी मिनिस्ट्री है। देखिए आप वहां महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्य में भी जल संसाधन और सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, और अजीत पवार मंत्री होते थे, जब वो हटे तो उन्होंने अपने सबसे नजदीकी सुनील तटकरे को बनवाया था, तो ये भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता और उनकी विश्वसनीयता की वजह से ये नीतीश कुमार ने उनको मंत्रालय दिया है। बाकी देखिए हम लोग चर्चा किए थे संतोष सुमन की, कि वो बहुत परेशान थे जीतन राम मांझी की, भाई हम ही लोग हर बार क्यों अनुसूचित जाति के कल्याण में के लिए लगेंगे, और वो हमारा मानना था कि उनको रहना चाहिए है, क्योंकि हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जाति से आता है बिहार में, वो नहीं, उनको उनसे वो चले गए, दूसरे व्यक्ति को मंत्रालय चला गया, और इनका भी इंसेंटिव बढ़ा दिया गया, इनको कोई दूसरा मंत्री इनके यहाँ से नहीं लिया गया, तो उसमें एक इंसेंटिव के नाम पर तीन मंत्रालय इनको दे दिए गए, कि आप ये विभाग मिले हैं, सांत्वना पुरस्कार है, लेकिन वो हो गए नंबर ऑफ मिनिस्ट्री तीन हो गई, तीन अलग अलग मंत्रालयों के सचिव रिपोर्ट करेंगे आप, तीन अलग अलग दफ्तरों में जाकर के बैठेंगे, तो ये तीन अलग अलग मंत्रालयों के संसाधन आपके डिस्पोजल पर होंगे, ये भी एक इंसेंटिव होता है जो संतोष सुमन को दिया गया। ये जो श्रवण कुमार के बारे में सबको पता था कि ग्रामीण विकास, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलेगा, ये नीतीश कुमार शुरू से अपने पास रखते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि तमाम बीडीओ सीओ जो होते हैं ये सब जो लोकल ग्रामीण लेवल पर जो लोग मैटर करते हैं, जो पदाधिकारी निचले लेवल के, उनके साथ संपर्क होता है इन लोगों का, और गांव में काम करने का जो होता है वो इस तरह से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा होता है, जो नीतीश कुमार की पार्टी का एक स्ट्रेंथ है, नीचे जमीन तक लोगों के पास पहुंचने का,
तो वो रहता है, उसकी वजह से ये मिनिस्ट्री उनको दी गई है और वो उसमें एक तारतम्य नहीं तोड़ा गया उसको बनाने का। रेणु देवी का मामला सचमुच आपने जो कहा सबसे हैरान करने वाला है कि क्यों इस उनको जब असफल मान ही लिया गया है तो रखने के लिए क्या मजबूरी। बिल्कुल, जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद को हटा दिया गया उस तरह से हटा ही दिया जाता है। वो तो अचानक अंतिम में नाम जुड़ गया, अरुणा देवी का विवाद ना होता तो इनका नाम तो था ही नहीं। तो वो महिला कोटा भी पूरा करना था एक, और एक अत्यंत पिछड़ा का भी कोटा पूरा करना था, तो हाँ। उस कोटा पूरा करने के लिए उनको रख लिया गया। नहीं तो ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेढ़ साल का जो कार्यकाल था, डेढ़ साल का नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक का जो लगभग पौने दो साल, उसमें ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री थे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, और परफॉर्मेंस किसी तरह का नहीं था इनका, कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके ये लोग। अपने क्षेत्र से बाहर भी कहीं कोई इम्पैक्ट छोड़ना होता है, जो जिस मकसद से बीजेपी ने बनाया था दोनों को, वो मकसद कहीं से पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए बीजेपी तो ट्राई करती रहती है, टेस्ट करती रहती है और उसके बाद इलिमिनेट करती जाती है। तो उस जब सफल नहीं हुए तो तारकिशोर प्रसाद तो निपट गए, उनको तो छोड़ दिया गया, हटा दिया गया, मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। रेणु देवी को वही जो आपने कहा कि आखिरी समय में एक महिला मंत्री जिसको चुना गया था, जिसका नाम तय किया गया था, उनको उनका नाम कट गया, ऊपर से कट गया शीर्ष नेतृत्व के स्तर से, तो रेणु देवी को एक भर्ती के तौर पर, एक महिला के तौर पर नहीं, तो उनके जिम्मे जो मंत्रालय है उस मंत्रालय को तो उसका चरित्र ही ऐसा नहीं है कि कोई महिला मंत्री वहां आप रखें काम करने के लिए, पशुपालन और उसमें मत्स्य, और मुझे अच्छा लगता है पहली महिला मंत्री है जो पशु एवं मत्स्य पालन संभालेंगी, ऐसा लग रहा है, हमको भी ऐसा लग रहा है कि वो पहली महिला मंत्री हैं जो इस मंत्रालय, अच्छा है वो, उसमें करने को बहुत काम है, क्योंकि कृषि के बाद पशुपालन हम लोगों के यहाँ का, और मत्स्य पालन एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें बिहार में अच्छा काम हो सकता है। और हरिसानी को यह विभाग मिलेगा, हरिसानी को मिलेगा, उनका एक उनका कद बढ़ा रही थी बीजेपी, और एक समय में गिरिराज सिंह मंत्री रहे हैं इस विभाग के, तो ये मुकेश सहनी रहे हैं, हाँ वो भी रहे, और गिरिराज सिंह तो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, तो ये जो ये वो मिनिस्ट्री उनको दे दी गई है, तो ये एक तरह से समझिए कि एक सांत्वना ही सांत्वना, और एक भर्ती के लिए उनको रखा गया था, कोई पोर्टफोलियो देना है तो दे दिया गया, हालांकि उसमें बेटर मैनेज कर सकती थी बीजेपी। जी जी, तो रेणु देवी की बात हो गई। मंगल पांडे को फिर से दो बड़े मंत्रालय, स्वास्थ्य और कृषि, बीजेपी के नेतृत्व का कितना भरोसा है, वह पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो फिर से उन्हें जन सरोकार वाला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वे चुनाव के प्रभारी रहे, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ाया बीजेपी को, बंगाल के प्रभारी हैं, और मंगल पांडे फिर से देखिए इतिहास बना कि बीजेपी ने दूसरे किसी नेता को, पहले नेता सुशील मोदी जो तीसरी बार विधान परिषद भेजे गए थे, और दूसरे नेता मंगल पांडे बने जो तीसरी बार भेजे गए, शहनवाज हुसैन तो पैदल ही कर दिए गए। तो मंगल पांडे पर भरोसा, स्वास्थ्य और कृषि, अब मंगल पांडे की गाड़ी चलेगी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये मंगल पांडे आज की तारीख में मैन फ्राइडे हैं बिहार में शीर्ष नेतृत्व के, कुछ भी करना है, जिसको गो टू मैन कहते हैं कि आप इनको यहां भेज दीजिए, आप उनको वहां भेज दीजिए और भरोसा कर लीजिए, वो मैन वो आदमी अभी हो गए हैं मंगल पांडे, जिस काम में लगाइए उस काम में फिट बैठ जाएंगे। हाँ, उस काम में फिट बैठते हैं और करके रिजल्ट भी देते हैं, वो उनकी अपनी मेहनत भी होगी और कुछ संयोग भी होगा जिसकी वजह से वो सफल होते हैं। आप देखिए जो अभी भी जो आखिरी दिन जिस दिन डील डन हुई चिराग पासवान की, उस दिन वो गए थे जेपी नड्डा के साथ, चिराग पासवान और मंगल पांडे ही गए थे, और पशुपति पारस को भी जाकर दो टूक उन्होंने ही कहा कि देखिए आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो कोई भी मैसेज है, हार्श मैसेज भी पहुंचाना है तो उसके लिए भी वो आदमी है, वो बुराई भी ले रहे हैं, आप जब इस तरह की बात जाकर के कह रहे हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी उनके पास है। देखिए उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार के बाद सबसे क्रूशियल स्टेट है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल, जहां के चुनाव प्रभारी है वो, और उस स्टेट में उनके साथ चुनाव प्रभारी के नीचे सह प्रभारी लगाई गई थी आशा लाकड़ा और अमित मालवीय, जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं, जो नैरेटिव सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, पूरे देश का पॉलिटिकल नैरेटिव अमित मालवीय सेट करते हैं, वो उनके नीचे काम करेंगे पश्चिम बंगाल में। इससे पिछले साल 2019 में मंगल पांडे झारखंड का भी चुनाव लड़ा रहे थे, उस समय भी चुनाव प्रभारी थे, उनके बाद ओम माथुर आए झारखंड में, तो एक तरह से संगठन में भी उनका कद बड़ा किया गया है। और बीजेपी जब किसी का कद बड़ा करती है और जब शीर्ष नेतृत्व पसंद करना शुरू होता है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती है कि क्या चीजें दे देंगे। नहीं, एक और चीज हमने नोटिस किया मंगल पांडे के बारे में अजीत जी, कि देखिए बिहार में दो ऐसे राजनेता हैं, मंगल पांडे और जेडीयू में संजय झा,
उनसे कोई जानकारी आप निकाल नहीं सकते सिवाय नहीं इसके सकते। कि नेतृत्व ने कहा हो कि इसे सूचित कर दीजिए। बिल्कुल जानते सब कुछ हैं, आपसे मित्रता भी बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, ब्राह्मण के चेहरे भी हैं, लेकिन जानकारी नहीं। जो नेतृत्व कहेगा वही मंगल पांडे करेंगे और वही जेडीयू में संजय झा करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी खूबी है राजनीति में। आजकल क्या छोटी छोटी चीजें लोग लीक कर देते हैं और वो लीक करने का कितना बड़ा नुकसान होता है ये नरेंद्र मोदी ने देखा हुआ है। उस समय 2004 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में बीजेपी और शरद पवार का तालमेल होने जा रहा था और प्रमोद महाजन ने ये खबर लीक कर दी थी मीडिया में अपने किसी चहेते पत्रकार को और वो डील रह गई थी। अगर वो डील सिर्फ हो जाती महाराष्ट्र में सारा खेल पलट सकता था उस समय, लेकिन अब वो नहीं हुआ। तो बीजेपी इतिहास से सीखने वाला नेता ही तो आगे बढ़ता है, तो ऐसे किसी नेता को आगे नहीं रखना चाहिए है ऐसी चीजों में, गोपनीय कामों में, कोई अभियान में नहीं रखना चाहिए जो लीक कर दे। लीक करने से क्या होता है कि वो फिर सारा खेल खराब हो जाता है। तो मंगल पांडे खेल खराब नहीं करते क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा नहीं होता है। ये सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारे नेता का जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा है। जी। तो इस ऐसे ये उनमें उनमें खूबी है और ये बात आपने कही और हम भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके साथ बैठिए तो वो बातें सारी करेंगे, लेकिन राजनीतिक बात आपको कोई सूचना निकाल करके नहीं देंगे, ऐसी सूचना जो अभी पब्लिक में नहीं आई है। आपसे जानकारी प्राप्त कर लेंगे, वो नहीं देंगे, नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ये हमने भी देखा है और अभी हाल के इस पूरे घटनाक्रम में देखा हमने। तो ये वो करते हैं इस तरह का। तो उनको दिया गया है और दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे उनको सड़क को वाला नहीं दिया गया क्योंकि सड़क मंत्रालय जो है ना वो मान लिया गया है कि ये सबसे बढ़िया मंत्रालय है और वो जो हमने कहा कि इंसेंटिव देना था भूमिहार समुदाय के समाज के एक व्यक्ति को, तो इनको कृषि और दूसरा बड़ा मंत्रालय स्वास्थ्य, दो मंत्रालय दे दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, जो पहले उनके पास रहा है उस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं हेल्थ में, तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा था, उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ था पास था और उस मिनिस्ट्री में बहुत सारे काम हुए। हम देख रहे हैं जितने अस्पताल बन रहे हैं आज के तारीख में बिहार में, वो भी बहुत रिमार्केबल है। कोई कोई शहर उठा करके देखिए अस्पताल बन ही रहा है, पटना में बन रहा है, मुंगेर में बन रहा है, बेगूसराय में बन रहा है, सिवान छपरा में बन रहा है। मंगल पांडे से आगे बढ़ते हैं नीरज जी, अजय जी, मंगल पांडे से आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये देखा कि रेणु देवी और मंगल पांडे के बाद भाजपा में वरीयता के लिहाज से शपथ दिलाई गई नीरज कुमार सिंह बबलू, नीरज बबलू वरीयता के लिहाज से नंबर 3 पर थे, इनके बाद अशोक चौधरी का नंबर आया। तो बीजेपी ने इनकी वरीयता बढ़ाई और जब विभाग देना था तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिल्कुल जनसुर को आकर, और कहा जा रहा था देखिए कि विजय कुमार सिन्हा लगातार कह रहे थे जिनके पास तदर्थ व्यवस्था में यह विभाग था कि इस विभाग में महागठबंधन की सरकार में बहुत गड़बड़ी हुई है, कई टेंडर जो दिए गए थे सिंगल टेंडर उन्हें कैंसिल किए जाने की बात हो रही थी। तो अब नीरज बबलू पर भरोसा किया गया है, मूल रूप से आनंद मोहन के शिष्य रहे हैं, कोसी की राजनीति में महत्व रखते हैं। यदि महागठबंधन की सरकार बनी रहती, नीतीश कुमार महागठबंधन में ही रहते, तो ये मधेपुरा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, तो नीरज बबलू पर भरोसा। देखिए उनको लेकर के बाद में भी ये चर्चा थी, उस समय जब विश्वासमत सरकार को पेश करना था और बहुमत साबित करना था नीतीश कुमार को, तब एक चर्चा थी कि जो लोग नाराज हो सकते हैं उसमें नीरज बबलू का भी नाम था, क्योंकि उनकी एक मंशा भी वो खत्म नहीं हुई है, उनकी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की उनके मन में कहीं ना कहीं था कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उनके वो, लेकिन उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बाकी लोगों ने टेंट्रम दिखाए वैसा उन्होंने नहीं किया, वो एक पार्टी के अनुशासित विधायक की तरह आए, उन्होंने मतदान किया, तो उसका इनाम भी उनको मिलना था। कोशी क्षेत्र में जिस तरह क्या सबको अंदाजा है कि इस बार लड़ाई बहुत कड़ी हो सकती है वहां, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है आरजेडी और कांग्रेस का वो बहुत मजबूत है वहां, तो उसके लिए भी वहां एक नेता की, एक मजबूत नेता की जरूरत थी। तीसरी बात कि राजपूत समाज के का जो लोकसभा में टिकट कटने वाली है, कम से कम 2 टिकटें ऐसी हैं, 2 सीटें कटेंगी, 5 लोग एमपी हैं जिसमें से 2 की टिकट कट सकती है, 2 सीटें कम हो सकती हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं भरपाई करनी थी, तो उनका एक कद बढ़ाना है। चौथी बात है कि मेहनती आदमी को रखना था, ऐसा आदमी जो भागदौड़ करके पूरे प्रदेश में इस चीज को, इस मिनिस्ट्री को संभाल, सभी तरीके से फड़ियाने में सक्षम है, सभी तरीके से वही हर तरीके से मामला सल्टा देने का हिसाब जिस व्यक्ति के पास हो, सलाहियत हो, उस व्यक्ति को रखें। देखिए बीजेपी का हमने तो अभी पिछली बार के जो मंत्री थे उनसे मेरा नहीं सबका हुआ, लेकिन जब विनोद नारायण झा मंत्री होते थे इस डिपार्टमेंट के, तो हम विधानसभा में भी उनसे मिले, उनके मंत्रालय के कामकाज पर हमारी नजर रखती रहती थी क्योंकि उनसे बात बात होती रहती थी।
तो ये इतना जन सरोकार का काम है, ये गेम चेंजर मिनिस्ट्री है। गांव गांव में, गली गली में आप इस मिनिस्ट्री से कुछ अच्छा काम कर सकते हैं पार्टी के लिए, पार्टी का आप कुछ बोनस जुटा सकते हैं, पार्टी के खाते में कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, अपने पर्सनल उसे में भी, उस पर्सनल खाते में भी, इस मंत्रालय के जरिए पूरे पूरे प्रदेश में लोग जान सकते हैं उनको। राजनीति में एक नया, आप हम लोग मान सकते हैं कि एक नया चेहरा उभर रहे हैं नीरज बबलू इस मंत्रालय के बाद, और खासतौर से जिनको बीजेपी आगे शोकेस कर सकती है आगे की पॉलिटिक्स के लिए। तो चलिए देखिए, नीरज बबलू, अब आते हैं जो आपने कही गली गली की बात की, जन जन की बात की। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद क्राइसिस मैनेजर, इस बार भवन निर्माण नहीं, उन्हें ग्रामीण कार्य मंत्री बनाया गया, मतलब गली गली तक पहुंचाने का अभियान है। और अशोक चौधरी की ताकत देखिए, अनुभव भी है, अकेले ऐसे मंत्री हैं जो विजेंद्र यादव को छोड़ दें जो राजद कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे। फिर आप ये देखिए कि पढ़े लिखे लोगों की जमात में शामिल कीजिएगा तब भी अशोक चौधरी दिखाई पड़ेंगे। और यह भी देखिए कि भीम सांसद का जो आयोजन हुआ उसका फलाफल कितना निकला, इस बार दलित कितने मंत्री बने, अशोक चौधरी, जनक राम, कृष्णनंदन पासवान, सुनील कुमार, महेश्वर हजारी, रत्नेश सदा, टोटल 30, उसमें 6 ये। तो अशोक चौधरी अब जो ये अभियान भी लेकर आए हैं, मेरा नेता मेरा अभिमान, तो गांव गांव तक पहुंचा देना है नीतीश कुमार का भरोसा। बिल्कुल, और ये देखिए बहुत परफेक्टली परफेक्ट जो अनुपात है, 20 हर पांचवा व्यक्ति दलित है बिहार का, अनुसूचित जाति का हर पांचवा व्यक्ति, और इस सरकार का हर पांचवा मंत्री दलित है। तो ये जो अनुपात है 20% का, उस अनुपात को मेंटेन किया गया है, वो एक अभी पहली बात जो दिमाग में आ गई। अशोक चौधरी का उस मंत्रालय में जाना वो एक प्लान का हिस्सा है, एक योजना का हिस्सा है, वो चाहते तो इस मंत्रालय में भी रह सकते थे जहां वो थे, लेकिन उस वो गए हैं ग्रामीण कार्य में। तो अब देखिए, बिहार में बड़ी बड़ी सड़कें तो बन गई, हाईवेज बन गए हैं, स्टेट के हाईवेज बन गए हैं, NH की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। अब जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत है कि आप हर गांव को बड़ी बड़ी सड़क से जोड़ सकें, और वो काम होगा ग्रामीण कार्य मंत्रालय में। तो ग्रामीण कार्य के जरिए जो सड़कें बननी है, गांव गांव तक पहुंचना है, और छोटे छोटे टेंडर्स होते हैं, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का काम निकलता है उसमें, कोई बड़ा टेंडर 8 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का नहीं है, छोटे टेंडर तैयार किए जा सकते हैं और गांव गांव तक आप पहुंचा सकते हैं। गांव, हर गांव को आप मुख्य सड़क से जोड़ना है। और उसमें दूसरा फायदा क्या होता है कि जो हमने देखा है, कई राज्यों में देखा है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में देखा है हमने, कि ग्रामीण कार्य के जरिए जो छोटे छोटे कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं उसमें आप उसमें बहुत सारे लोगों को इम्पावर करते हैं। वो आपकी पार्टी का भी आदमी हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है, एक कोई नॉर्मल नया इंटरप्राइजिंग आदमी भी हो सकता है, इंटरप्रेन्योरशिप करने वाला कोई नया आदमी भी हो सकता है जिसके पास बड़ा काम करने की पूंजी नहीं है। उसमें कई जगह हमने एक नियम देखा है झारखंड का, तो हमको नियम याद आ रहा है जिसमें वो क्लॉज लगा दिया जाता है कि बड़े लोग इसमें अपियर नहीं होंगे, बड़े लोग इसमें नहीं आएंगे, छोटी पूंजी का आदमी आकर के बिजनेस करेगा। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बिहार के नौजवानों को, लोगों को इम्पावर कर सकते हैं काम देने में। दूसरा, गांव गांव तक आप सड़क पहुंचा करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं कि उस हर गांव को बड़ी सड़क से आप जोड़ देंगे, महानगर से फिर तभी तो जुड़ेगा वो, और पार्टी का नाम, नेता का नाम भी गांव गांव पहुंचेगा। चलिए, तो मेरा नेता मेरा अभिमान जो अशोक चौधरी का आह्वान है, अशोक चौधरी का कार्यक्रम है, ठीक है। आगे देखिए, नीतीश कुमार की बेहद भरोसेमंद लेसी सिंह को फिर से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, दोनों मंत्री बने और दोनों का पुराना विभाग कायम रखा गया। आगे चर्चा करते हैं, नीतीश मिश्रा विकल्प बने हैं शहनवाज हुसैन, नीतीश मिश्रा विकल्प बने हैं महागठबंधन सरकार में उद्योग मंत्री रहे शमीर महासेठ के, और उनके पास उद्योग और पर्यटन दोनों की जिम्मेवारी दी गई है। देखिए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। नीतीश मिश्रा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, विरासत भी बहुत मजबूत है। नीतीश मिश्रा का भविष्य उद्योग में क्या देखते हैं अजीत जी? देखिए, नीतीश मिश्रा की इस बात के लिए ज्ञानेश्वर जी हम तारीफ करेंगे नीतीश मिश्रा की। आज के समय में जब कोई भी व्यक्ति 1 साल 6 महीने 4 महीने इंतजार करने को तैयार नहीं है
नीतीश मिश्रा ने 9 साल इंतजार किया है, 9 साल उन्होंने पूरा धैर्य बनाए रखा, भारतीय जनता पार्टी उनकी परीक्षा लेती रही, परीक्षा पर परीक्षा लेती रही, वो पूरे धैर्य के साथ पार्टी में बने रहे और उसका इनाम उनको मिला कि उनको 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। देखिए बिहार में उद्योग का क्षेत्र जो है, एक गाड़ी निश्चित रूप से शाहनवाज हुसैन ने गाड़ी को पटरी पर ला दिया था। बिहार में जिस स्केल की इंडस्ट्री लग सकती है, बिहार के पास अपना कोई माइंस मिनरल्स नहीं है, कोई कच्चा उत्पाद हमारे पास नहीं है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारे पास बंदरगाह नहीं है, उसके बावजूद जो जिस स्केल की मिनिस्ट्री का उद्योग लग सकता है उस स्केल का उद्योग लगाना शुरू किया था शाहनवाज हुसैन ने। अब उसको आगे बढ़ाना है, उस वहां से आगे बढ़ना है, तो ये उनका उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, और ये हम कई लेवल पर हमने उनको काम करते और राजनीति करते हुए देखा है, पर्सनल तौर में, निजी तौर पर भी ये बात कह सकते हैं, उनसे उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो उस गाड़ी को रुकने नहीं देंगे, उसको डिरेल नहीं होने देंगे, पटरी पर से नहीं उतरने देंगे, वो उसको आगे ले जाएंगे उद्योग में। और पर्यटन को आपने ठीक कहा कि उसको जोड़ने की जरूरत, पर्यटन अपने आप में एक उद्योग है, इस बात की चर्चा होती रहती है कि पर्यटन उद्योग, बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग और पर्यटन उद्योग, इतना स्कोप है उसको, ये अगर नीतीश मिश्रा विजन दिखाते हैं तो सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन के दम पर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया से पर्यटकों को बिहार की तरफ मोड़ सकते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन। तो नीतीश मिश्रा, अब देखिए आगे नितिन नवीन भले ही नहीं मिला वो विभाग, पथ निर्माण विभाग, लेकिन नगर विकास एवं आवास, देखिए भाजपा की असली जमा पूंजी तो नगर ही है, और पटना के शहरी क्षेत्र से नितिन नवीन विधायक हैं, और मैं उन्हें परेशान होते देखता था कि मंदिरी की सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया, मंदिरी पटना में एक मोहल्ला है, और बीच में ठहर जाता था, लेकिन अब नितिन नवीन के पास ही नगर विकास एवं आवास और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, विधि विभाग, तो नितिन नवीन रुवासे नहीं हुए होंगे, उन्हें लगा होगा कि ठीक है पथ निर्माण नहीं मिला, डिप्टी सीएम के पास चला गया, लेकिन कम महत्व का विभाग नहीं मिला है नितिन नवीन पर, इसका मतलब नेतृत्व का भरोसा कायम है। देखिए वो इस बात को समझ रहे हैं कि पिछली बार जब रोड ट्रांसपोर्ट मिला उनको तो वो एक छप्पर फाड़ कोई चीज मिल जाना होती है कि छप्पर फाड़ आपको गेन हो गया, कोई ऐसी छप्पर फाड़ चीज मिल गई, तो उन्होंने उसको अपना हक नहीं माना होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि किस तरह के कंपल्शंस होते हैं, उनको बहुत बढ़िया कंपनसेट किया गया है। देखिए अभी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनकी उनकी मिनिस्ट्री रही है ये, वो नगर विकास मंत्री रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मंत्रालय है ये। बिहार में नगरों का विकास होना है, ले दे करके बिहार में जब बात होती है, हम लोग दिल्ली में है या कहीं बाहर जाइए तो लोग पूछते हैं तो एक पटना का नाम आता है, उसके बाद कौन सा शहर है, तो बिहार का जो आदमी है वो तो बताता है कि भाई भागलपुर भी है, मुजफ्फरपुर भी है, गया भी है, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं है कि क्या शहर है, ये सब कौन से शहर है। तो शहरों का विकास करना है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है उससे जो जुड़े शहर हैं उनको कम से कम इस तरह से बनाना है कि बिहार का आदमी कहीं भी मेंशन कर सके कि ये शहर है हमारे यहाँ। तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और लॉ भी अपने आप में एक फुलफ्लेज मिनिस्ट्री है, जो पिछले बार एक अलग एक मंत्री प्रमोद कुमार मंत्री थे, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री थी, बीजेपी के नेता थे, तो लॉ का भी एक अपना महत्व है। और जुडिशियरी को लेकर के जिस तरह की बातें बिहार में चलती हैं, जितनी लॉबी काम करती है जुडिशियरी को लेकर के, उसमें ये मंत्रालय भी काफी महत्वपूर्ण है उनके पास, तो उनको ड्यूली कंपनसेट किया गया है उस एक मिनिस्ट्री की बदले दो देकर। देखिए अब डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल विधान पार्षद किशनगंज से, देखिए इनके पास मेडिकल कॉलेज भी है, इन्हें ऐसा विभाग दिया गया जो काजल की कोठरी है, वहां जो जाता है वो बदनाम हो ही जाता है, सिर्फ मदन मोहन झा कांग्रेस के इस विभाग से बगैर किसी दाग के निकले। तो दिलीप कुमार जायसवाल के बारे में माना जाता है कि इनके पास माल पहले से ही बहुत है, कितना और अर्जित करेंगे, चुनाव भी लड़ना चाहते थे अररिया से। तो दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, निकलेंगे काजल की कोठरी से सलामत कि वे भी खेला में फंस जाएंगे? निकलेंगे, देखिए रामनारायण मंडल को देखा, आलोक मेहता को देखा, तमाम लोग विवादों में ही घिरते चले गए, राम सूरत राय को देखा। ये है, इस मामले में दो तरह के विवाद हैं, एक तो रेवेन्यू का भी विवाद होता है जनरली जो रजिस्ट्री से जुड़े हुए विवाद होते हैं, और दूसरा पॉलिसी लेवल का भी विवाद होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेला बहुत होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी होता है, चूंकि वो रेवेन्यू से ही जुड़ा हुआ मामला है, रजिस्ट्री के विभाग, रजिस्ट्री का विभाग तो हम लोग इतने वर्षों से जानते हैं कि वो सब रेवेन्यू किस तरह से वहां होता रहा है अभी तक।
उसमें क्या पॉलिसी लेवल का भी कंट्रोवर्सी इसमें होती है, पॉलिसी को लेकर के भी। सारा लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज करने का एक मामला चल रहा है कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने हैं, फिर पॉलिसी लेवल पर भी चेंजेज हुए हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन का मामला आता है। रजिस्ट्री ऑफिस में जो खेल होता है, जो काम होता है, वो सब आदमी को पता है। एक एक रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के लिए लोग कितने कितने जतन करते हैं, कितने कितने उपाय किए जाते हैं। इनके साथ ये है कि MLC हैं और इनको मंत्रालय मंत्री बनाया गया है, एक मौका दिया गया है। जो 6 नए मंत्री बनाए गए हैं इस बार BJP की तरफ से, उसमें एक दिलीप जायसवाल भी हैं मंत्री बने, तो ये नहीं चाहेंगे कि किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो। हाँ, कमी कुछ है नहीं, अपने भी कमी कुछ नहीं है। हाँ, और लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं। पार्टी भी कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी उनसे कि वो कोई पार्टी का खजाना भरना है उनको दे करके, अपना करना है ना। और पहली बार है इसलिए वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बदनामी नहीं हो। वो देख रहे हैं दूसरे मंत्रियों को, जिनको आगे बढ़ाया जाता है, जिनको जिनकी तरक्की होती है, वो कैसे काम करते हैं। चलिए, तो देखिए, दिलीप जायसवाल के बाद हम आते हैं महेश्वर हजारी पर। महेश्वर हजारी को वो विभाग मिला है जिसके जिम्मे सरकार की इज्जत बचाने और सरकार की इज्जत डुबाने दोनों की देखरेख करनी होती है। और यह विभाग पहले संजय झा के पास था, सूचना एवं जनसंपर्क। नीतीश कुमार अखबार प्रेमी है और संजय झा कितने चौकस रहते थे, चौकन्ना रहते थे कि हमें कई अखबार के संवाददाताओं ने बताया कि सुबह 5 बजे फोन कर देते थे और रात को ही कॉपी मंगवा लेते थे। तो महेश्वर हजारी क्या संजय झा की बराबरी कर पाएंगे? पहले भी मंत्री रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पास महत्वपूर्ण मंत्रालय था, नगर विकास में थे वो, लेकिन अब ये उनको ये जो जिम्मेदारी दी गई है इसका स्ट्रेटेजिक बहुत महत्व बहुत है प्रशासन के हिसाब से। जो आपने पहले कहा कि सरकार को की इज्जत बचानी है उन्हीं को, या इज्जत खराब हो जाए, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई आप सेंसरशिप नहीं लागू करें, ये मैसेज भी नहीं जाए कि आप अखबारों को स्क्वीज कर रहे हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तलवार की धार पर चलने का होता है। देखिए, संजय झा थे और उसके पहले जब नीरज कुमार मंत्री थे तो उनके पास भी ये जनसंपर्क मंत्रालय था, और ये दोनों ऐसे हैं जिनका मीडिया के साथ कॉन्टेक्ट रहा है। उस लिहाज से महेश्वर हजारी का उतना संपर्क नहीं रहा है मीडिया के साथ, प्रशासन में तो संपर्क रहा है, लेकिन उनको ये अपनी प्रतिबद्धता जो उनकी है नीतीश कुमार के प्रति, ये सोच करके दिया गया है कि वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है और नेता के प्रति भी, तो वो कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे पार्टी। मुझे लगता है कि अनुपम कुमार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, जो इस विभाग को देखते हैं, वो सहयोग जी वो सहयोग जी। आगे शीला कुमारी परिवहन, पहले भी थी, देखिए अपने पति को चुनाव लड़ाना चाहती थी लेकिन फिर से मंत्री बनाया गया और उन्हें कोई आक्रोशित होने का और दावेदारी करने का मौका नहीं दिया गया। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, पहले थे उत्पाद मद निषेध और निबंधन, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, अब KK पाठक से सामना, KK पाठक से दोस्ती या अदाबत, IAS IPS का झगड़ा या दोस्ती, देखने की बात होगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि IAS और IPS दोनों एक दूसरे को अपने से बेहतर मानते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन यहां मंत्री और अपर मुख्य सचिव दोनों ये है, ये काडर का होता है कॉन्फ्लिक्ट, और लॉबी दोनों की काम करती है, और ये लॉबी का आदमी उसमें न चला जाए इसका ध्यान रखा जाता है कि कहीं। लेकिन के पाठक पहले भी सुनील कुमार के साथ थे उत्पाद एवं मद्य निषेध में, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। हाँ, तो सुनील ये वो मिनिस्ट्री है शिक्षा मंत्रालय का जो कोई बनना नहीं चाहता था, और इस बार आपने कई बार इसका जिक्र भी किया, हम लोगों ने चर्चा भी की, और वो KK पाठक वो कारण थे जिसकी वजह से कोई बड़ा मंत्री इसमें आना नहीं चाहता था। सबको पता था कि KK पाठक के ऊपर वरद हस्त है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार ने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि आप शिक्षा में सुधार करिए चाहे उसके लिए जो करना पड़े, तो इसलिए कोई नहीं जाता था कि एक तरह से उनकी बात ही सुननी होगी, एक तरह से उनका सबॉर्डिनेट हो जाएगा वो, कि वहां सब सर्वियंट का मामला हो जाएगा कि आप ही सर्व कर रहे हैं उनको, तो इस वजह से कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन सुनील कुमार बहुत सिंसियर मिनिस्टर हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी थे, तो जब हम जाएं मोतिहारी तो उनकी चर्चा होती थी, वो आए रहते थे, वो रिपोर्ट लेते थे, मिलते थे लोगों से, कोई समस्या है जिसमें पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं या कोई बड़ा लार्जर इशू इन्वॉल्व है तो उसको वो सॉल्व करते थे। तो उनकी एक खूबी हमने देखी है कि वो मिला करके काम करने में इस बार वो सक्षम है कि वो किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तनाव नहीं पैदा हो, ये काम वो कर सकते हैं। तो जो पहले चंद्रशेखर के साथ जो तनाव चल रहा था, अब वो तनाव नहीं होगा। अगर लंबे समय तक भी दोनों लोग वहां रहते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अब परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो काम होगा। चलिए, तो देखिए, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। जनक राम, पिछली सरकार में NDA की सरकार में जो विभाग उनका था उसमें बहुत सारी खबरें आती थी,
बहुत सारे विभाग, लेकिन उस विभाग से नाता तोड़ दिया गया और जनक राम को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण दे दिया गया। आप अपने समाज का कल्याण करते रहिए, कोई विवाद होना नहीं है। हरी सहनी, देखिए इन्हें जो हम चर्चा कर रहे थे कि पशु एवं मत्स्य संसाधन मिलना चाहिए था, लेकिन पहली बार मंत्री बनाया गया, इन्हें भी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण करते रहिए। कृष्णनंदन पासवान, आप ही के जिले के, गन्ना उद्योग बड़ी जिम्मेवारी, सब चीनी मिल बंद है। जयंत राज को पुरस्कार मिला, देखिए कुशवाहा होने का, इनके पिता जनार्दन मांझी भी बांका के बड़े नेता हुआ करते थे, जयंत राज भी बांका लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी जिम्मेवारी। अशोक चौधरी और जयंत राज की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है, तो अशोक चौधरी के पास ग्रामीण कार्य चला गया और अशोक चौधरी का पुराना विभाग भवन निर्माण चला आया जयंत राज के पास। देखिए जमा खान, कोई संकट ही नहीं था, अल्पसंख्यक कल्याण पहले थे। रत्नेश सदा, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, जब संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया था तब ये लाए गए थे, इन्हें फिर से मौका दे दिया गया। केदार प्रसाद गुप्ता, कुर्नी से उपचुनाव में जीते थे, पंचायती राज। सुरेंद्र मेहता बछवारा से, अब इन्हें खेल विभाग कैसे दे दिया गया, मतलब न शरीर से दिखते हैं न बाकी पहचान से दिखते हैं, खेल कैसे दे दिया गया। चर्चा तो श्रेयसी सिंह की हो रही थी। और संतोष कुमार सिंह MLC, जिन्होंने RJD और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का काम किया शाहबाद वाले इलाके से, उन्हें पुरस्कार मिला श्रम संसाधन का। तो ये कुंडली है और ये विभागों का बंटवारा है। अजीत जी फाइनल ओपिनियन। देखिए अब इसमें जैसे अब आपने कहा उनका संतोष सिंह का, तो वो वैसे ही बैठाए गए हैं, एक उनको दिया गया, एक मंत्री पद का सम्मान दिया गया है उनको। खेल आमतौर पर चले जाना चाहिए था, जिसको आपने कला संस्कृति पर्यटन जिसको दे रहे हैं, कला संस्कृति में या तो जोड़ दीजिए, खेल उसके साथ कर दीजिए, शिक्षा के साथ कर दीजिए, कहीं अलग से उसको एक अलग मंत्री बना देते, खिलाड़ी वाले को देते आप, देते वो किसी उसको देते या किसी मिनिस्ट्री के साथ जोड़ देते। तो एक इनको मंत्री बनाया गया था तो कोई विभाग देना था, ये दे दिया गया। ये उनका कोई मतलब उनका सम्मान सिर्फ यही है कि वो मंत्री हैं। तो आपने दो पहले नाम लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति का और पिछड़ी जाति का। ये देखिए बिहार में तो 83% आबादी है, 63% पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और पिछड़े, और 20% अनुसूचित जाति। 83% के कल्याण की जिम्मेदारी इन दो मंत्रियों को दी गई है, ये समझिए इस बात को। अगर ये लोग इसी अंदाज में लें चीजों को, लोग तो लेते नहीं है ना, लोग तो खोजते हैं दूसरा वाला विभाग ना। बताइए तो ये जो अगर आपको काम करना है और पार्टी की इमेज भी बनानी है, अपनी इमेज भी बनानी है, अपने समाज के लोगों का भला करना है, तो इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिल सकता है। दोनों ही भाजपा के हैं। हरी सहनी अत्यंत पिछड़ी जाति से खुद आते हैं। इस समय जो चैलेंज है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो मल्लाह निषाद पॉलिटिक्स का है, मुकेश सहनी को लेकर के एक चुनौती है और बीजेपी के सामने उस वोट को अपने साथ ले आने की चुनौती है। तो अगर उस पद पर रहते हुए वो अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए जो 36% आबादी है उसके लिए कुछ करते हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। वो पार्टी के लिए भी करेंगे, अपने समाज के लिए भी करेंगे, और यही काम अगर वो उनको करना चाहिए है। कोशिश करनी चाहिए है, क्योंकि हमारे यहाँ समीम जी थे जो पिछली सरकार में RJD की सरकार में, उनको भी ये मंत्रालय मिला था और ये एक माना जाता है, चूंकि वो हम लोगों का गन्ना बेल्ट है, वो पूरा इलाका जिस इलाके से ये लोग आते हैं, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, साथ में आप गोपालगंज भी रख लें, तो हमारे उस हिसाब से वहां 10 के करीब चीनी मिल इन तीन जिलों में आ जाएंगे। तो एक एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि वहां गन्ना किसानों का कुछ भला करेंगे। अभी गन्ना उत्पादन के मंत्री हुए हैं तो किसानों का कई तरह से भला कर सकते हैं। अगर मिल नहीं खुलवा सकते हैं, चीनी मिल, उतनी सलाहियत नहीं है भारत बिहार सरकार के पास, तो कम से कम गन्ना के उत्पादन में किसानों को कोई ऐसी चीज दे, इंसेंटिव दे कि उनके लिए उत्पादन की लागत कम हो और उनके उत्पादन का मूल्य कुछ बढ़िया मिल सके। कम से कम ये कोशिश जरूर उनको करनी चाहिए। बड़ा मौका है, पहली बार वो मंत्री बने। चलिए मौका है, लेकिन आचार संहिता लागू हो गया है, अभी चुनाव के समय तक क्या क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे यह देखने की बात होगी। और अब तो चुनावी मैदान में हम और आप दोनों होंगे, चुनावी मैदान में क्या चल रहा है रोज हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं,
यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।